आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। प्रखंड कांग्रेस कार्यालय महागामा में पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर व शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षक के साथ खुशतर हसनैन जिला कांग्रेस सचिव, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद मिनहाजुल हक युवा कांग्रेस अध्यक्ष महागामा विधानसभा कर रहे थे। वहीं इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षकों को शॉल व गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। मिनहाजुल हक ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। जीवन में माता पिता का स्थान कभी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वे ही हमें इस रंगीन खूबसूरत दुनिया में लाते हैं। कहा जाता है कि जीवन के सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु व शिक्षक परंपरा चली आ रही है, लेकिन जीने का असली सलीका हमें शिक्षक ही सिखाते हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से खुशतर हसनैन जिला कांग्रेस सचिव मंटू भगत, जिला कांग्रेस महासचिव कासिफ आलम, रोहित कुमार, सरफराज नावेद आदि लोग मौजूद रहे। गोड्डा से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज का ये आयोजन शिक्षक दिवस के अवसर पर हो रहा है। शिक्षक दिवस का इतिहास यह है कि 1962 जुलाई महीने में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। 5 सितंबर उनका जन्म और इसी दिन जैसे ही 5 सितंबर आया पूरे देश में उस दिन को शिक्षक दिवस प्रसिद्ध किया। आज वही 5 सितंबर है, आज भी शिक्षक दिवस है और ये आयोजन उसी तरह जहाँ तक मेरा सवाल एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, राजनीतिक कम थे और दार्शनिक ज्यादा, लेकिन वो जमाना ऐसा था, युग ऐसा था कि हर व्यक्ति एक छोटा से छोटा बच्चा ही राजनीति के लिए देश के सामने, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा हो, सबके दिल में अंग्रेजों से आजादी हासिल करनी है, आपका छाड़ी प्रोग्राम की इच्छा थी और दिल इच्छा थी। ये अलग बात है कि हमारे उस संघर्ष को पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और नाना पुत्र माता इत्यादि लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया और आजादी जैसा चीज हमको मिला। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, इस आजादी बहारे विश्व का सामान है, इस मेरी जान आजादी मेरा इमान है, इस पे कर दू फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, लेकिन आजादी पे मेरा इस मोहम्मद अली जौहर। इंग्लैंड में पूर्व देश का कॉन्फ्रेंस था, वो बीमार थे और जब वो उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए गांधी जी, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद वगैरह जा रहे थे, उन्होंने भी आग्रह किया कि हम भी चलेंगे। उनको मना किया गया कि आप बीमार हैं, का बीमार ही न है, मर जाएंगे, लेकिन हम तो चाहते कि मेरी जिंदगी का एक एक पल, एक एक क्षण देश के काम आए। वहाँ जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज कॉन्फ्रेंस
पुराना लोग है वो जानते हैं हमें।